नवरात्रि के आगमन से ही देश भर में जगह जगह रामलीला का भी शुभ आरंभ हो जाता है, जिसके चलते दिल्ली के नागलोई में स्थित कुंवर सिंह नगर में श्री राम रामलीला कमेटी द्वारा भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया गया है। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है, भगवान राम के रंग में रंग गया है। रामलीला कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इससे सीख लेनी है, बच्चों को बताना है मर्यादा क्या होती है, वो उनको भगवान को राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, माता सीता जी एक करैक्टर का किरदार का सती होने का मुजस्मा है, भगवान बजरंगबली हनुमान जी महाराज वफा के मुजस्मे हैं, ताकत के मुजस्मे हैं, सिंसेरिटी के समर्पण गुरु के प्रति इतना समर्पण। तो मैं रामलीला कमेटी के चेयरमैन साहब प्रधान जी सबका शुक्रगुजार हूं। रामलीला मंचन के चौथे दिन राम विवाह दशरथ प्रतिज्ञा एवं राम वनवास का भव्य दृश्य दर्शाया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त आए। साथ ही मुख्य अतिथि संसदीय सदस्य हंस राज हंस, बाहरी जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग शुक्ला, नरेश रेन, SHO शरद चंद्र पधारे, जिनके स्वागत के लिए श्री रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तुम जब तक यहाँ रहोगे संताप नैनीता जाएगा। तो अच्छा यही है कि इनके आंखों के सामने से आप हट जाइए। बोलिए माता जी, मैं माता कौशल्या से आपसे लेकर शीघ्र आपके पास आता हूँ। थोड़ा एक अंतिम आज्ञा हो मेरी मानो, जाने से पहले एक बार लौट कर यही आना। मैं वर्कर वस्त्र तुम्हारे लिए निकाल के रखूंगी, तुझे पहन तुम बन जाना। क्या कह रहा था ऐसी जो लीला है, वो लीला जो हमें लाल किले के मैदान में या रामलीला ग्राउंड में देखने को मिलती थी, आज नांगली में देखने को। इसके लिए पूरी लीला के मंचन के जो इसके कलाकार हैं और जो इसके कार्य समिति के मेंबर हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें बुलाया और ऐसी लीला करते रहे, उनको भगवान शक्ति दे। हम जबलपुर प्रांत लेकर जाएंगे, जो भी नगरवासी हमारे साथ चलना चाहे बैठ चल सकता है। पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई जाए, कोई भी मृतक और आराम से जितने भी कैदी हो सबको मुक्त कर दिया जाए और भव्य बारात का आयोजन किया जाए। ये जो श्री राम रामलीला कमेटी है, इससे मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ SHO था 2015 से 17, तो ये निलोठी गांव में ये कमेटी वहाँ मंचन करती थी भगवान श्री राम की लीलाओं का। और इन्होंने जो मनोज जी हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं, इन्होंने मंचन को और भव्य और सुशोभित करने के लिए ये पूरा साल प्रयासरत रहते हैं। हंस राज हंस ने रामलीला की अत्यंत प्रशंसा की और साथ ही श्री राम रामलीला कमेटी के सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। अंत में प्रतिदिन रामलीला का समापन राम जी की आरती एवं राष्ट्रगान के साथ किया जाता है।